पिछले 5 साल में बीजेपी सरकार देश में हुकूमत किया, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद जैसे बड़े मुद्दे 5 साल की सरकार में शोर पकड़ते रहे। आज 2019 का चुनाव का बिगुल बज चुका है, कई पार्टी अपने प्रचार में लगी है। ऐसे में नागपुर में बीएसपी की आज बड़ी सभा हुई जिसमें मायावती जी ने संबोधन किया। हमारे साथ ये सब बात करने के लिए अबू आजमी जी है जो कि समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है। सर, देश में आरएसएस फिर से सत्ता में आई तो आगे का क्या हाल रहेगा देश का? अब देश में आरएसएस सत्ता में आएगी ही नहीं, इसलिए नहीं आएगी कि 1925 में आरएसएस बनी थी। इतना संघर्ष करने के बाद यहाँ की जनता ने देखा कि कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया, तो चलो एक बार हम आरएसएस की सपोर्टर बीजेपी को वोट दे देते हैं, शायद देश सुधर जाए। और अच्छा, जो सच्चा हिंदू होता है कभी झूठ नहीं बोलता। सच्चा हिंदू बहुत अच्छा होता है, पूजा करता है, हर धर्म की इज्जत करता है। लेकिन जो आरएसएस के सपोर्टर नरेंद्र मोदी जी आए, झूठ के भंडार, यानी सच तो जानते ही नहीं क्या होता है। भाइयों और बहनों, मुझे चुन कर दे दो, मैं एक एक आदमी के खाते में 15-15, 20-20 लाख जिस दे दूंगा। जहां पर 5,000 रुपया महीना नहीं मिलता लोगों को, जिसने कभी 500 रुपये का मुंह नहीं देखा हो, वो बेचारा समझा अरे आरएसएस का आदमी, ये तो सच्चा ही होगा, झूठ तो हो ही नहीं सकता। कांग्रेस झूठी हो सकती है, सब झूठे हो सकते हैं, लेकिन आरएसएस का सपोर्टर झूठा कैसे हो सकता है। दे दिया वोट, और ऐसा वोट दिया कि सारे देश में बाहर आ गई, फुल सपोर्ट से आ गए। 5 साल तक देश का बेड़ा गर्क कर दिया, सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। सबसे बड़ा देशद्रोही वो व्यक्ति है जो व्यक्ति भारतवर्ष की सभ्यता को, भारतवर्ष के गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद कर रहा है और हिंदू मुस्लिम के नाम पर फसाद कर रहा है। अब सोचो जरा, आप मेजॉरिटी 85%, माइनॉरिटी 15%, मेजॉरिटी को डरा रहा है माइनॉरिटी से, ये उल्टी गंगा बह रही है। तो ऐसे लोग सत्ता में अब नहीं आएंगे। अब कहते हैं ना कि वो दिन दूर, दिल्ली बहुत दूर है, अब गुजराती ठिकाना बनेगा। सर, मोदी जी यहाँ 5 ही आए थे वर्धा में, योगी जी का भी बीच में एक बयान आया था कि जो सेना है देश की वो मोदी जी की सेना है। जैसे कि हम लोग मोदी जी के भाषण भी सुन रहे हैं, वो ज़्यादातर विकास 5 साल में जो विकास कार्य किए उन पर बात ही नहीं कर रहे, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम और आतंकवाद पर बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए, आप लगता है बहुत अच्छे मीडिया वाले आप हो, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। ऐसा मीडिया वाले बोलते ही नहीं, ये आप ही बोल रहे हो, बहुत अच्छे आदमी हो आप। मीडिया वाले सब बिक चुके हैं, वो तो कहते हैं मोदी जी जो बोलते हैं वही सबसे अच्छा है। आपने सच्ची बात कहा कि विकास की बात ही नहीं करते। देश 130 करोड़ का देश, 9 लोग देश की संपत्ति, आधी संपत्ति उनके पास है, और 129,99,991,991 लोग के पास देश की आधी संपत्ति है। 9 बनाम 129 करोड़, ये हालत देश की है। आज जो अभी कहते हैं नौकरी हमने सबको दिया, अरे भाई, जो सर्वे हुआ है देश का, जिन एजेंसीज ने किया है, वो कह रही हैं कि 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी मोदी जी आपके राज में आई है। तो फिर कैसे मानेंगे इस बात को आप? महिलाओं की बात करते हैं, मोदी जी अपनी महिला को संभालते ही नहीं है, बेचारी को छोड़ दिए हैं। अब महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं पे बलात्कार, महिलाओं का शोषण बढ़ता जा रहा है, और ये मी टू बंद करा दिया ना, ये चालू होता तो मालूम पड़ता कौन कौन नेता उसमें थे। फिलहाल जोरों का नारा चल रहा है, मैं भी चौकीदार हूँ, और इस पर आप क्या? जब आपको चौकीदार बनाया गया तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप चौकीदारी करो, आपके राज्य में चोरी नहीं होना चाहिए। जब यहाँ से 1,000 करोड़ रुपया लेकर लोग भाग गए तो चौकीदार चोर माना जाएगा, साहूकार माना जाएगा, जनता बोलेगी चोर माना जाएगा, तो इसलिए चौकीदार को चोर कहा जा रहा है। अब वो अपने दम खम के ऊपर मीडिया में अपने वर्करों को चौकीदार चौकीदार बोल दें, चौकीदार या हमको प्रधानमंत्री चाहिए, चौकीदारी क्या होता है? ये सब बेवकूफ़ी बातें, जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें, देश की हालत ख़राब है। जैसे पिछले 5 साल में बेरोज़गारी का बहुत हाल रहा देश में, ऐसे में उनको कहा गया था शाहजी की ओर से कि पकौड़ा बेचो, लेकिन अब तो मोदी जी युवाओं के लिए यह संदेश दे रहे कि मैं चौकीदार हूँ, मतलब युवाओं को चौकीदारी करने पर उतारू है प्रधानमंत्री। अब वो चाहे पकौड़ा बेचवाएं चाहे चौकीदारी बेचवाएं, ये सब चीज़ें हवा में उड़ जाएंगी। देश चाहता है कि देश का संविधान सुरक्षित रहे, देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई की तरह से रहें, हमारे पड़ोसी मुल्कों से हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएं,
हमारे सिपाहियों के साथ जो रोज़ाना बॉर्डर के ऊपर आतंकवादी हमले हो रहे हैं वो बंद हो जाए, ये इन चीज़ों में मोदी जी फेल हैं। तो अब ये सब बतूलेबाजी, चौकीदार और पकौड़े तलो, ये सब जो है ना, ये सब सिर्फ जुमला है, इस पर आप कोई यकीन नहीं करने वाला। जैसे कि बीच में साक्षी महाराज जी का बयान भी आया था कि 19 के बाद 2024 में चुनाव होंगे ही नहीं, इस पर क्या कहें? यानी डेमोक्रेसी ख़त्म कर देंगे ये? इस देश में डेमोक्रेसी है, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि अच्छी कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती। ये इनका ये जो इनका शेख चुल्ली का सपना है ना, ये सपना ही रह जाएगा। सर, आने वाले 19 के चुनाव में जनता के लिए आप क्या विकल्प लेना चाहेंगे और आपके क्या मुद्दे हैं इस चुनाव? हमारा मुद्दा ये है कि समाज के आखिरी आदमी को इस मुल्क में जीने का हक हो। समाज के आखिरी आदमी के चेहरे पर आंसू नहीं, अफसुर्दगी नहीं, रुलाई नहीं, बल्कि मुस्कुराहट हो। भारतवर्ष में रहने वाले हर व्यक्ति के पास कम से कम 2 कमरे का घर हो। ईद बकरीद होली दिवाली जब आए तो उसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। उसके घर में इतना पैसा हो कि वो अपना त्यौहार मनाए, बच्चों को नए कपड़े बनाए और अपने पड़ोसियों को बुला के 2 मिठाई खिला देवे, ये भारतवर्ष की हालत हो जाए, ये हमारा सपना है। आने वाले 19 के चुनाव में अखिलेश और मायावती जी की जोड़ी कितना अच्छा कर पाएगी आपको? जब 4 सीटों पर इलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश में, बीजेपी की तूती बोलती थी, 28 से 30 साल से योगी की सीट को हिला नहीं सका था। योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, दूसरे डिप्टी मुख्यमंत्री बने, और उनके राज में ये जब अखिलेश जी की मायावती जी की जब जोड़ी मिली तो इन सबको हरा दिया, तो ये सेमीफाइनल तो हो गया, अब फाइनल हो रहा है, इसमें सबको हरा देंगे। और कम से कम यूपी में 60 से 65 सीटें हमें लगता है कि समाजवादी बहुजन समाज चुन कर आएगी। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी जी, जिन्होंने जो कि मोदी जी का 5 साल का विकास है वो पूरी तरह से खारिज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जम्बूद्वीप।